रहती है अनसुनी कहानियां, कहीं उड़ती है परलिए तन्हाइयां, कहीं आप लोग यहीं रुके, ठीक है? सब मेरा है, बिन बाप की औलाद। तूने उसे बात क्यों की? सौतेला है वो। तुझ पर तेरी माँ पर एहसान है मेरा। तूने उसे बात काम क्यों दिया? की काम सौतेला है वो। और क्या चाहिए तेरी माँ पर एहसान क्यों दिया? नीचे रख तूने उसे बात क्यों की? सौतेला है वो। अजीत साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? अजीत साहब, मैं ठीक हूं। सर, आपके ख्याल में ये घर काबिल इस्तेमाल कितनी अरसे में हो सकेगा? मेरा तो ख्याल यह है कि कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा सर। सुनिए। हाँ बोलो। वो ये कह रही थी कि वहां जाना जरूरी है क्या? हम इसी फ्लैट में नहीं रह सकते? रईसा, देखिए ना, इतने अरसे से हम यहां रह रहे हैं, दिल नहीं चाहता इस फ्लैट को छोड़ने को। फिर ये हमारे लिए कितना लकी भी तो रहा है ना, जब से हम यहां आए सारे काम बनते चले गए। देखो रईसा बेगम, मैंने उस घर की मरम्मत पर, रंग रोगन पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है, और फिर ये किराए का फ्लैट है,
वो अव्वल आखिर हमारा ना घर है, आखिर करामत हाउस में शिफ्ट होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस मैं सोची थी कि इतने अरसे से वो घर बंद पड़ा है, पता नहीं क्या अला बला होगी वहां पे। मुझे फजूल बातें मत सोचो, वहां 5 हफ्तों से मजदूर काम कर रहे हैं और वो मेरा घर है, मेरा घर, मेरे बड़ों की आखिरी निशानी है। कितने सालों तक मैंने उस घर में जाना चाहा, इतने साल लगे हैं उस घर के मुकदमे को जीतने में, और तुम कह रही हो कि बस उसको बंद पड़ा रहने दो? नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम उसे किराए पर चढ़ा दें या फिर बेच दें। रईसा बेगम, बस हम दोबारा ये बात नहीं होगी। आप तो समझते ही नहीं। अब समझने समझाने का वक्त नहीं रहा, सुबह शिफ्टिंग करनी है, बहुत काम है। साहब ये क्या? भाई 500 में ही बात हुई ना। अरे साहब शहर से इतना अंदर लेकर आए आप, मेहरबानी करें लाए 100 रुपए एक और दे दो। तुम लोग भी बस, ये लो बस। चलो तुम सामान ले आओ। सुनो, ये वाले सूटकेस है ना, ऊपर कमरे में पहुंचा देना, और कोई चीज इधर से उधर मत करना, जो चीज आ रखी है उसको वहीं रहने देना, समझ गए? रखो
आ जाओ। दाशा बाहर निकलो, आ जाओ, घर आ गया। अच्छा बाहर आओ। अबू देखिए गाड़ी से निकल ही नहीं रही है। ठीक है मैं बात करता हूँ, तुम अंदर जाके सामान सेटिंग करवा। हाँ और देखना वो सामान सही से रखे। ठीक है। दाशा बेटा चलो आओ, आ जाओ, शाबाश घर आ गया। अप्पा मुझे नहीं जाना। बेटा तुम शीशा तो नीचे करो, ये घर है अपना, आ जाओ शाबाश आ जाओ। बहुत ना अजीब सा घर है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे क्यों नहीं रहना है बेटा, ये अपना घर है। चलो जिद मत करो, शाबाश आओ, दरवाजा खोलो, खोल दो दरवाजा, खोलो आओ। क्या है ये, बोर कर दिया आप लोगों ने। एक तो पहले इस वीरान घर में लाके बिठा दिया, ऊपर से सारा वक्त ये मार धार से भरपूर कब्रें। कुछ हमारा भी टाइम होना चाहिए। यूं कहिए कि आपको ड्रामे देखने। हाँ तो और क्या, क्यों नहीं देखने, देख लीजिए। अगर एक कप चाय हो जाए। मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठी रहो, आलिया जरा बच्ची को खाना खिला के फारिग हो जाए, बना देगी। अम्मी मैं सुबह से बोर हो गई हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने, तो घर भी इतना बोरिंग है। अच्छा ठीक, तुम जाओ बनाओ, जाओ शाबाश। लेकर आ और वो अभी तक साबित करने में उस तरह नाकाम रहे, इसलिए जीआईटी बनी है। और जीआईटी के सामने जो है मामला बजाय इसके कि उसे फोकस किया जाए, हुकूमत कभी तस्वीरों की मुबैना लीक के जरिए, कभी मुबैना व्हाट्सएप कॉल के जरिए पूरे प्रोसेस को, पूरी जुडिशरी को, पूरे जीआईटी को बाजू नजर में बहुत लोगों के नजदीक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करती है। मेरी हर बात की नफी करना जरूरी है आपको? लाड प्यार से बिगाड़ के रख दिया इसे, ससुराल जाएगी तो कौन करेगा लाड प्यार इससे? नहीं ऐसी बात नहीं है रईसा, यहाँ नहीं बनाएगी तो सीखेगी कैसे, दूसरे घर में जाके उसे काम काज तो करना है ना। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ उसको, उसको बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। क्यों रमीश है? जी अब ठीक है। सारा खोला हुआ है, तुमने पूरा क्यों खोल दिया? अब्बा मैंने नहीं खोला, वो खुद ही खोल गया। मैंने नहीं मम्मी, मैंने नहीं खोला था उसको। नहीं ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे सिखाओ उसको कुछ, खुदा ना खासा भी कुछ हो जाए तो मन मरा जाती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। मम्मी मैंने कुछ नहीं, मैंने नहीं खोला, वो खुद ही खुल गया। मैं चाय रखने के लिए आई थी, मैंने नहीं खोला, मैं यहाँ खड़ी हुई थी, खुद ही खोल गया, मैंने नहीं खोला, मैंने नहीं खोला। कैसे हो सकता है बेटा, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। पछतान बेटा, अब तुम लोगों का कमरा यही है,
मेरा कमरा बराबर में तो है, कौन सा इतना दूर है? नहीं मामा, मुझे नहीं सोना। अच्छा ऐसा करो, अभी सो जाओ, कल छुट्टी है, मजे करना। मुझे आपके पास सोना है। मम्मा वैदान डर रहा है, वैदान डर पोक। मम्मा मैं तो ब्रेव हूँ ना। हाँ मिन्नत ब्रेव हो, और मेरा बेटा भी। चलो अब सो जाओ, मैं पास में हूँ। सभी कुछ बह रहा है इस घर में, बहुत काम कराना पड़ेगा। लाइट बंद कर दिए। क्यों जाग रही हो अब तक? तो कॉलेज नहीं जाना? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आपने पास सुला ली? अच्छा चलो, अच्छा यहाँ लेट जाओ, शाबाश, आ जाओ मेरा बच्चा। Thank you.
आलिया बेटा, आलिया। बेटा ये कैसी चाय बनाई है? वो अबू दूध फट गया था तो फ्रिज में नहीं रखा था दूध? फ्रिज से निकाला था अबू, पता नहीं कैसे फट गया, इसमें पाउडर वाला डाला है। फ्रिज में कैसे फट सकता है? पता नहीं, तुम लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आती। सॉरी अबू, मैं दूसरी। नहीं नहीं, ठीक है। सुनो, रमीज जब जाग जाए ना तो उसको मेरे पास भेज देना। अच्छा। उठ जाइए, ये उठ जाइए। आज तो सोने दो ना। रमीज, सारा सामान बिखरा पड़ा और आप सो रहे हैं, उठिए ना। क्यों तंग कर रही हो आली? फौरन उठ जाइए, आपको अब्बू बुला रहे हैं। अब्बू? खैरियत? कैसे अब्बू के नाम से आपकी जान निकल जाती है ना। अब्बू ने कहा था जब रमीज उठे उसको बुलाना, अब उठे। ये कहा ना कि जब उठे तो बुलाना, ये तो नहीं कहा ना कि उठा के लाओ। अरे अच्छा, जाए मत उठे। और ये बाथरूम की लाइट तो ऑफ कर दिया करे, रात भर से जल रही है। बन की तो थी। अच्छा बाबा, की होगी। आपसे बहस करना तो सर को आटे में देने के बराबर है। पता है आज वो फिर वहीं खड़ा था। कौन? ताशा वाला। मुझे तो बहुत फारिक सा बंदा लगता है, जब देखो वहीं खड़ा रहता है। खैर इतना बुरा भी नहीं है, क्यों ताशा? मुझे क्या पता, देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानती तक नहीं हूँ उसे। मुझे तो बहुत फारिक सा बंदा लगता है। अरे वो मरता है ताशा पे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मरता ना होता तो ऐसे इसके आगे पीछे घूमता, जब देखो कॉलेज के बाहर खड़ा रहता है। क्यों ताशा, कुछ कहा है क्या उसने तुमसे? नहीं, मेरी आज तक उससे बात नहीं हुई। करना भी मत, ये लड़के ऐसे ही होते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अरे तुम क्यों इल्जाम लगा रही हो बेचारे पे? बेचारा तो है, वो तो इससे बात भी नहीं कर पाता, जब देखो कॉलेज के बाहर खड़ा रहता है। अगर करे भी तो मत करना ताशा उससे। क्यों ना करना ताशा, तुम करना उससे बात, मैं करवाऊंगी। तुम क्यों उसको बीच में फंसा रही हो? तुम्हें ज्यादा शौक है तो तुम कर लो। मैं फंसा रही हूँ ताशा? मैं फंसा रही हूँ तुम्हें? तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रही हो और अब उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अपनी बात करते हैं ना। तुम लोग वैसे भी जानते हो वो कभी इजाजत नहीं देंगे मुझे। तो इजाजत लेके करता कौन है? क्या हो गया इसे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी इंग्लिश की क्लास थी, चलो तुम लोग ऐसे, इतनी देर हो गई है। मैं छोड़ कर वालेकुम अस्सलाम। ये फोन आप रखेंगे अबू? क्यों नहीं रखें? नहीं रखिए, वो बस थोड़ा सा ओल्ड फैशन नहीं है? पुरानी चीजों को क्या फेंक देते हैं? नहीं रखिए अबू, वो दादा अबू का बाहर वाला कमरा जो है मुझे मिल सकता है? मैं उसे स्टडी बनाना चाहता हूं। अबू? ठीक है, मगर एक शर्त। जी जी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ये रही चाबियां, ढूंढ लो। थैंक यू अबू। ओ हाँ,
अबू आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था? हाँ रमेश बेटा, वो इस घर की सारी सैनिटेशन जो है ना, सारे पाइप गल चुके हैं, अब किसी अच्छे से प्लम्बर को बुलाकर सब चीजें बदलवा दो, ठीक है? हाँ सही कह रहे हैं अबू, सब कुछ बह रहा है, मैं करवा देता हूँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि इंसान कितना भी छोटा हो, जितना भी कमजोर हो, तस्वीरें हमेशा बड़ी बनवाता है। आपके दादा है ना? यही है जिनका ये घर हुआ करता था। बहुत अजीब इंसान थे। खैर मैं तो कभी नहीं मिला, मगर अब्बू बताते हैं कि इनका गुस्सा इनकी नाक पे धरा रहता था। और अब देखो, सिर्फ एक तस्वीर में कैद होके रह गया। क्यों उतारे? क्यों भाई, मेरी फोटो लगेगी ना यहाँ पे, अब आज से ये मेरा स्टडी है। इस कमरे में? हाँ क्यों? नहीं कुछ नहीं। वैसे आप कौन सी स्टडी करते हैं जो आपको अलहदा से कमरा चाहिए? अरे भाई इतना बड़ा घर है, क्या हुआ अगर मुझे एक और कमरा मिल जाए? और वैसे भी तुम्हारे होते हुए खुद के लिए तो कम ही टाइम मिलता है ना। है मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हारे पास टाइम कम मिलता है ना मुझे। बस बस सब समझती हूँ। अच्छा तो फिर चलो आओ। चलो अंदर चलो, बहुत खेल लिया, होमवर्क करना है, चलो जल्दी चलो। ठीक है अज्जू, मैं मम्मी को बता रही वजदान। वजदान क्या हुआ? वजदान दिखाओ, वजदान वजदान वजदान। रमेश, अम्मी, वजदान क्या हुआ? रमेश, अम्मी, देखो वजदान को क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं वजदान को क्या हो गया, देखिए ना आंखें नहीं खोल रहा।
बचदान 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 क्या हो गया क्या हुआ? पुप्पो कहाँ? पुप्पो कहाँ? वहाँ अच्छे सो गए? हाँ, बुखार अभी तक नहीं गया। मेडिसिन दी थी? दी थी भाई। अच्छा, मैं नीचे स्टडी में हूँ, अभी आया। सुबह कर लेना। थोड़ा सा काम है, मैं अभी आया।
सालों के बाद आई है यहाँ, पर ये तेरा नहीं। क्या क्या कह रहे आप? मेरा नहीं, किसका है? तेरे घर में बीमारी नहीं, मौत नाच रही है। रहते हैं सुनी कहानी।